ये आईफोन 11 और ये बहुत ही डिमांडिंग फ़ोन रहा है। जब लॉन्च हुआ था आईफोन का एक वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आईफोन 11 है। और पहले भी बहुत फ़ोन आए, जैसे आईफोन 6 था, वो भी एक रेवोल्यूशनरी फ़ोन था, वो भी बहुत ज़्यादा उसकी सेल्स हुई, लेकिन इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा हुई। तो इसका मुझे रिव्यू इसलिए भी देना है क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आईफोन 11 के बारे में बताओ। तो मैं हमेशा इसके बारे में, इसके कैमरा के बारे में बोलता रहता हूँ कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका कैमरा भी अच्छा है, डिसेंट है, बट यूजली आईफोन 11 को लोग किस पर्पज़ के लिए लेते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आईफोन 11 जो था उसको लोगों ने ज़्यादातर इसलिए लिया क्योंकि आईफोन XR बहुत ही सक्सेसफुल फ़ोन था आईफोन के लिए, क्योंकि उन्होंने एक सस्ता फ़ोन निकाला था और बैटरी भी अच्छी थी, गेमिंग भी अच्छी थी। तो उसी का अपडेट आईफोन 11 था और आगे भी ये कंटिन्यू हुई चीज़। तो मेनली ये फ़ोन बैटरी बैकअप और गेमिंग के लिए था। जब रीज़न की इसकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी तो उसके रिज़ल्ट में ये हुआ कि लोगों ने इसको गेमिंग के लिए यूज़ किया और बहुत ज़्यादा गेमिंग के लिए फ़ोन बिका। जो लोग एंड्रॉयड थे, एंड्रॉयड से एप्पल पे आ गए और ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड से एप्पल में आए हैं, उन्होंने ये फ़ोन लिया आईफोन 11, क्योंकि गेमिंग हो गया उस समय। बहुत सारे पबजी वगैरह पे यूट्यूब लोग सब स्टार्ट कर रहे थे, तो मैंने भी इसमें पबजी बहुत खेला है। आपके सामने मैं दिखा दूँगा कुछ मेरी गेमिंग वीडियोज़ जो मैंने इस फ़ोन में रह के खेली है। और मेरा भी एक चैनल था गेमिंग वाला पबजी, जिसमें मैं इस फ़ोन से ही खेला हूँ। और ये पबजी के लिए और जितने भी हाई एंड गेम्स हैं उनके लिए बेस्ट फ़ोन है। अभी भी लैग नहीं करेगा और आने वाले साल में भी लैग नहीं करेगा। कि इसकी एक बैटरी अच्छी है, गेमिंग अच्छी हो सकती है इसमें, और इसका इन हैंड फील लुक भी अच्छा है, साइज़ भी बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में भी अच्छा रहेगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं 5G और 4G, तो अभी भाई इतना मत देखो। और 4G कनेक्टिविटी इतनी बेकार नहीं होती है कि आप उसको आप यूज़ किया ही आप सबने, तो कनेक्टिविटी गिर नहीं जाएगी। बस 5G में थोड़ा एडवांस इंटरनेट आपको अच्छा मिलता है, और तो वो आप ले सकते हैं बाद में, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके प्रोज हो गए, अब इसके कॉन्स के बारे में बात करते हैं, यानी ड्रॉबैक्स। तो प्रोज़ आपको मैंने बता दिए, एक तो इन हैंड फील, साइज़ परफेक्ट साइज़, बैटरी, गेमिंग और फ्यूचर के लिए जो एलिजिबल है मतलब लुक वाइज, क्योंकि इसका अभी भी यही वाले इसी स्टाइल में कैमरा चल रहा है तो पुराना भी नहीं लगता, अच्छा लगता है। और प्राइस रेंज भी बहुत अच्छा है। अब आते हैं कॉन्स। मुझे इसके कैमरा उतना अच्छे नहीं लगते, इनफैक्ट मैं जब भी फ़ोटोशूट पे जाता हूँ तो 11 की बजाय 7 प्लस हो गया, 8 प्लस हो गया, इनसे फ़ोटो खिंचवाता हूँ क्योंकि इससे छोटे मॉडल्स हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इम्पॉर्टेंट नोट, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे 13 हो, चाहे 14 हो, सिंगल डिजिट वाले मॉडल की बात कर रहा हूँ, प्रो की बात नहीं कर रहा हूँ, 11 प्रो, 12 प्रो, 13 प्रो, 14 प्रो की बात नहीं, सिर्फ 11, 12, 13, 14 जो सिंगल मॉडल, इनके कैमरा उतने अच्छे नहीं है। ये सिर्फ गेमिंग फ़ोन है और बजट फ़ोन है, क्योंकि आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ कि क्या होता है डिफरेंस। अब मेरे पास एक 8 प्लस है मेरे पास, तो इसका फ़र्क ये है, को दिखाता हूँ, इसका फ़र्क ये है। बहुत लोग को ये चीज़ पता होगी क्योंकि मैंने अपने काफ़ी वीडियोज़ में बताया है, आपको बताना होगा ये फ़र्क है। पहली बात, आप लोग को दिख रहा होगा कि इसमें जो कैमरा है, सॉरी ये 7 प्लस है, 8 प्लस नहीं है, ये 8 प्लस मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये कैमरा जो है इसमें दोनों में आपको इसकी फ़ोटो ज़्यादा ब्राइट लग रही होगी, विच इज़ ऑब्वियसली ये नया मॉडल है। बट जैसे मैं पोर्ट्रेट पे शिफ्ट होता हूँ और इसमें होता हूँ तो ये देखिए फ़ोटो की क्वालिटी ही बदल जाती है, टेलीफोटो लेंस। अब इसमें जो पोर्ट्रेट होता है वो सॉफ्टवेयर का पोर्ट्रेट होता है, मतलब ये इसमें जो दूसरा कैमरा है वो टेलीफोटो लेंस का नहीं है, यानी पोर्ट्रेट के लिए बनाया गया कैमरा नहीं है, ये वाइड एंगल लेंस है जो कि फ़ोटो को जूम मतलब थोड़ा जूम आउट कर देता है। जैसे फ़ोटो पे आए और ये वाइड एंगल, ये कैमरा इसका काम करता है, और इसमें जो दूसरा कैमरा है वो जूम का काम करता है, और वो फ़ोटो लिटरली DSLR टाइप लगती है क्योंकि वो जूम का काम करती है।
इसीलिए इनके में इतना फ़र्क आ जाता है इनके कैमरा में। मैं जब भी फ़ोटोशूट करता हूँ तो इसी से करना पसंद करता हूँ, इससे पसंद करना नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे इसका कैमरा पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगता। हाँ, इसमें डिसेंट फोटोग्राफी हो जाती है, इसमें नाइट मोड भी है, नाइट की भी मैं फ़ोटोज़ कुछ दिखाता हूँ आपको कि नाइट में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, थोड़े बहुत कैमरा सैम्पल्स दिखाता हूँ सिर्फ 11 के। ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है। बहुत लोग कमेंट करके फिर कहेंगे कि आपने इसके पूरा कंपैरिजन नहीं दिखाया, ये वो। मैं कंपैरिजन नहीं बना रहा हूँ, यहाँ नॉर्मल मैं अपने कैमरामैन की पहले एक फ़ोटो खींचता हूँ। मैं आपको इसमें फ़र्क बताता हूँ, देखो कि दोनों कैमरे में ब्राइटनेस वाला कैमरा चुप ब्राइट कर लिया। हाँ, तो ये 11 की फ़ोटो थोड़ी ब्राइट आ रही है, लेकिन अगर जैसे मैं पोर्ट्रेट पे शिफ्ट होता हूँ तो ये देखिए, ये जो फ़र्क आया ना, इसको मैं अगर थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा के फ़ोटो खींचूँ तो ये फ़ोटो भले ही इतना पुराना मॉडल है, लेकिन इतनी अच्छी फ़ोटो आ रही है इसमें, इसमें ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो यही फ़र्क था, ये जूम ये इसमें नहीं होता। अब बहुत लोग कहेंगे कि ये मैं पोर्ट्रेट को पास में ले जाके फ़ोटो खींचूँ, अरे इधर आ जाना कोट, पास में ले जाके खींचूँ तो उसके जैसा फ़र्क आ जाएगा। तो भाई उसके जैसा फ़र्क नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें इनबिल्ड है और ये मैं पास जाके कर रहा हूँ, तो वो फ़र्क नहीं आएगा। जैसे कि आप फ़ोटोज़ दोनों देख सकते हैं, ये मैंने पास ले जाके खींची है 11 में से पोर्ट्रेट, और ये ऑटोमेटिक जो पोर्ट्रेट 7 प्लस में होता है। तो आप देखिए कैसे, मतलब अलग से इसका जूम नहीं लग रहा, और एकदम फेस की शेप वगैरह इसमें देखिए, शेप थोड़ी एबनॉर्मल लग रही है कि ये कैसा, और इसमें थोड़ा, तो ये फ़र्क है, ये इनबिल्ड है और ये मैंने पास ले जाके खींची है। सनी 11 का कैमरा बहुत बेकार है, ब्राइटनेस इसकी ज़्यादा है और इसकी ब्राइटनेस ठीक ठाक है, लेकिन मैं फ़ोटो इसी से खिंचाऊँगा, इससे नहीं। लेकिन ठीक है, ठीक नॉर्मल कैमरा, आप स्नैपचैट जो लोग यूज़ करते हैं स्नैपचैट डाल सकते हैं और नॉर्मल फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, ऐसा भी बात भी नहीं है, वीडियोस वगैरह शूट कर सकते हैं, ब्लॉग्स के लिए लेना ब्लॉग्स के लिए ले सकते हैं। तो ये 11 का रिव्यू था, कैमरा वीडियो नहीं था ये। तो कमेंट करके मत बोलिएगा कि कैमरा के बारे में, कैमरा की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं कैमरा की डिटेल वीडियो बनाऊँगा। इसके बारे में मैंने फुल डिटेल्स बताई, क्या इसको लेना चाहिए कि नहीं ले सकते हैं, बहुत अच्छा फ़ोन है। और प्राइस रेंज बता दूं तो 28K समथिंग आज इसका प्राइस चल रहा है सेकंड हैंड। तो बिग बिलियन डेज वगैरह में अब शायद ये आखिरी बार आया था, और शायद अगर आया तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आई थिंक वर्थ इट।